हेलो एवरीवन, आज के वीडियो का टॉपिक है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी ब्लड में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्यूनिटी पे कई बार एग्ज़ाम के में क्वेश्चंस भी आ जाता है और कई बार इसमें डिफरेंसेस भी आ जाते हैं, जैसे नेट एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिफरेंसेस, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंसेस। तो इसमें से डिफरेंसेस का भी क्वेश्चन बनते हैं और इम्यूनिटी पे एज सच ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट होता है। ओके, सो इम्यूनिटी, व्हाट इज़ इम्यूनिटी? लाइक हमारी बॉडी में कई सारे इन्फेक्शंस होते रहते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, पैरासाइटिक इन्फेक्शंस। ओके, तो और कोई भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में कई बार इन्वेड करने का ट्राई करता है, तो हमारी बॉडी एक उसके अगेंस्ट एक डिफेंस मैकेनिज्म प्रोड्यूस करती है, उसे ही हम इम्यूनिटी कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ डिफेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट हार्मफुल एलिमेंट्स, वो हार्मफुल एलिमेंट्स कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं या फिर कोई एनी अदर हार्मफुल एलिमेंट्स हो सकता है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इम्यूनिटी और इसको याद रखना भी इम्पॉर्टेंट है। अब इम्यूनिटी, एक तो जैसे बच्चा पैदा हो रहा है तो कुछ चीज़ें बच्चे में प्लेसेंटा के थ्रू मदर से भी आ जाती हैं, कुछ एंटीबॉडीज़ से IgG एंटीबॉडीज़ है, कुछ ब्रेस्ट मिल्क से भी आ जाती हैं, तो ये एक नेचुरल इम्यूनिटी है, वो अपने आप आई बर्थ आ रही है। ओके, और कुछ इम्यूनिटी ऐसी होती हैं जैसे कि कभी कोई इन्फेक्शन अगर होगा, जैसे मीजल्स इन्फेक्शन है, तो यूजली देखा होगा कि एक बार किसी को मीजल्स हो जाता है तो बाद में नहीं होता। इसका मतलब कि एक बार इन्फेक्शन होने के बाद उसमें वो इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। या फिर जैसे आपने देखा आजकल वो पोलियो का काफ़ी पीछे बहुत चलता है, पोलियो वैक्सीन्स। तो पोलियो क्या क्या है? वो एक वैक्सीन है, उस वैक्सीन में वो एटेन्यूएटेड फॉर्म में वायरस होता है। एटेन्यूएटेड मीन्स वीकर फॉर्म में होता है, यानी वो इतना वीक होता है कि वो कोई डिजीज़ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन बॉडी में पोलियो के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बना देता है। तो कभी बाद में कभी भी अगर पोलियो का वायरस बॉडी में आता भी है तो वो एंटीबॉडी उसके अगेंस्ट काम कर लेती हैं और वो उसको पोलियो नहीं होता। ऐसी ही बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, TB की वैक्सीन है जो बच्चे को छोटे से लेके लगती हैं। तो इसका मतलब ये है कि या तो कोई इन्फेक्शन हो जाए या फिर हम बाहर से वैक्सीन्स दे दें तो वो भी बाद में उस डिजीज़ के लिए इम्यूनिटी प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह की इम्यूनिटी को हम बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी को आप दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो जो बाई बर्थ होती है जिसे हम कहते हैं इननेट इम्यूनिटी, और एक जो हम एक्वायर करते हैं बाहर से, चाहे वो इन्फेक्शन के फॉर्म में हो, चाहे वो किसी वैक्सीनेशन के फॉर्म में हो। ओके, तो उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी को हम टू में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज इननेट इम्यूनिटी एंड अनदर इज एक्वायर्ड और एडेप्टिव इम्यूनिटी। इननेट इम्यूनिटी को हम कहते हैं नॉन एडेप्टिव, मतलब कि एडेप्टिव नहीं है, नॉन एडेप्टिव इम्यूनिटी। और ये कैसे होती है? बाई बर्थ होती है। तो बर्थ से जैसे बर्थ होता है बेबी का, उसमें इम्यूनेट इम्यूनिटी पहले से प्रोड्यूस रहती है। जैसे कि स्किन है, स्किन में एक इम्यूनिटी का काम करता है, बाहर से कोई इन्फेक्शन अंदर नहीं आने देता। म्यूकस मेम्ब्रेन है, जैसे माउथ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है, GIT की मेम्ब्रेन है अंदर की तरफ, म्यूकस जो मेम्ब्रेन है वो भी कोई इन्फेक्शंस को किल करने का काम करती है। हमारे नोज़ में सिलिया हैं, हमारे अंदर भी, यहाँ ट्राकिया में, यहाँ जिस नोज़ है उसमें भी सिलिया होते हैं, रेस्पिरेटरी पैसेज में सिलिया होते हैं, तो दैट ऑल्सो प्रोटेक्ट। हमारे टीयर में, आंसू में, हमारे आंसू में लाइसोजाइम होता है, हमारे जो माउथ में जो सिक्रीशंस होता है, सेलाइवरी सिक्रीशंस, उसमें भी लाइसोजाइम होता है, तो वो भी एक इन्फेक्शन को रोकने का काम करता है। तो ये बाई बर्थ है, इसके लिए कुछ अलग से हमने एक्वायर नहीं किया, मतलब हमने कोई बाद में डेवलप नहीं, ये अपने आप ही नेचुरल चीज़ें हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी इननेट इम्यूनिटी में आती हैं। ओके, एंड देन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम कहते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। इसको भी दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक नेचुरली एक्वायर्ड, एक आर्टिफिशियली एक्वायर्ड। ओके, तो ये नेचुरली एक्वायर्ड हो रही है, जैसे इसमें भी हम दो में डिवाइड कर सकते हैं, एक्टिव पैसिव, और आर्टिफिशियली एक्वायर्ड को भी हम एक्टिव पैसिव में डिवाइड कर सकते हैं। आर्टिफिशियली एक्वायर्ड मतलब हमने बाहर से कुछ दिया, तो उसको हम आर्टिफिशियल एक्वायर्ड कह रहे हैं। अब नेचुरली एक्वायर्ड में जैसे एक्टिव जो इम्यूनिटी है उस पर जैसे कोई इन्फेक्शन हो गया, जैसे मीजल्स का इन्फेक्शन है फॉर एग्जाम्पल, सो मीजल्स इन्फेक्शन किसी को एक बार हो जाता है तो दोबारा नहीं होता। सो लाइक मीजल्स इन्फेक्शन, खसरा जिसको बोलते हैं, खसरा, इसमें फीवर होता है और बॉडी में थोड़े थोड़े दाने हो जाते हैं, सो दैट इज़ मीजल्स, खसरा इन्फेक्शन। तो एक बार अगर किसी को हो गया दोबारा नहीं होगा, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है मीजल्स नेचुरली एक्वायर्ड में। और पैसिव इन्फेक्ट, पैसिव इम्यूनिटी का क्या है कि जैसे IgG है वो प्लेसेंटा से अपने आप ही एक्वायर हो रही है। जैसे कि अगर सपोज करिए कि कोई बेबी है वो डेवलप हो रहा है, तो उसमें मदर से
एंटीबॉडीज आ जाती है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ नेचुरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी. मतलब वो अपने आप से तो नहीं थी, पर मदर से उसके अंदर में डेवलप हुई है, मदर से आई है. फिर आर्टिफिशियली एक्वायर्ड में एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव में वैक्सीनेशन, जो मैंने अभी बताया, जैसे ही पोलियो का जो वैक्सीन है, या टीबी की वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन है, तो ये जब इन्फेक्ट हम वैक्सीन दे देते हैं तो फिर से वो इन्फेक्शन नहीं होता. दूसरा है पैसिव. पैसिव इम्यूनिटी जो है, इसमें जैसे ये आईवी इंजेक्शंस ऑफ एंटीबॉडीज, आप इंट्रावीनस इंजेक्शंस दे सकते हो, इंजेक्शंस दे के एंटीबॉडीज़ को डायरेक्टली बॉडी को प्रोटेक्ट करा सकते हो. जैसे सपोज करिए एक मदर है, वो आरएच नेगेटिव मदर है, और उसका बेबी जो है वो आरएच पॉजिटिव है. वो कैसे हो सकता है? जैसे अगर फादर आरएच पॉजिटिव, तो वैसा हो सकता है. तो अगर ऐसा है तो जैसे ही फर्स्ट बेबी की डिलीवरी होती है, उस टाइम पे मदर को एक एंटीबॉडी का इंजेक्शन दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं एंटी डी इंजेक्शन. उसमें एक्चुअली एंटीबॉडीज़ होती है, तो ये प्रोटेक्ट करने के लिए होता है कि सेकेंड टाइम जब भी बेबी, अगर जब वो कंसीव करेगी और बेबी अगर आरएच पॉजिटिव हुआ, तो ये एंटीबॉडीज़ उसकी आरबीसीज़ को, मतलब जो भी आरबीसी मदर के अंदर आ रही है, उनको किल करने का काम करती है, और वो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करा पाता. तो ये जो है आपका एज अ पैसिव इम्यूनिटी का काम कर रहा है. सो पैसिव इम्यूनिटी में ये है एंटी डी इन आरएच नेगेटिव मदर्स, एंटी डी इन आरएच नेगेटिव मदर्स. फाइन, तो ये आपका हो रहा है ओवरऑल क्लासिफिकेशन. इम्यूनिटी इननेट बाय बर्थ, एक्वायर्ड, एडेप्टिव इम्यूनिटी. ओके, इसमें नेचुरली एक्वायर्ड एंड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड, और उसके बाद दोनों ही में एक्टिव पैसिव है. फाइन, और एक्टिव में ये है जैसे कोई इन्फेक्शन अगर हो रहा है, वो नेचुरली एक्वायर्ड है, मीजल्स. पैसिव में कोई आईजीजी एंटीबॉडीज प्लेसेंटा से आ गई या ब्रेस्ट से एंटीबॉडी आ गई, तो वो भी पैसिव में आ जाएगा. आर्टिफिशियली में हम बाहर से कुछ ना कुछ दे रहे हैं, तो अगर आप वायरस दे रहे हो, जैसे ही पोलियो में क्या होता है, वायरस देते हैं, पर वो वीक वायरस होता है, तो वो जो है आपका एक्टिव में आएगा. और अगर आप डायरेक्टली एंटीबॉडीज दे रहे हो किसी डिजीज़ के अगेंस्ट पे, मतलब बॉडी में पोलियो वायरस का आप, पोलियो का आप वैक्सीन देते हो, उसमें पोलियो वायरस होता है एटेन्यूएटेड फॉर्म में, वीक फॉर्म में, वो फिर बॉडी अपने आप उसको एंटीबॉडीज बनाती है, तो वो एक्टिव हो गया. यानी हमें बॉडी को एक्टिवली रोल प्ले करना पड़ता है. पैसिव में क्या है, बॉडी में एंटीबॉडीज नहीं बनेंगी, हमने बाहर से डायरेक्टली ही एंटीबॉडीज बनी बनाई दे दी, तो वो आपका पैसिव में आ गया है. ठीक है, सो अब हम डिस्कस करते हैं इननेट इम्यूनिटी. इननेट इम्यूनिटी को हम नॉन एडेप्टिव भी कहते हैं, और ये बाय बर्थ होती है बॉडी में. तो ये नॉन स्पेसिफिक है, मतलब ये कोई स्पेसिफिक बैक्टीरिया या स्पेसिफिक वायरस के अगेंस्ट काम नहीं करेगा. जैसे कि पोलियो वायरस, पोलियो की वैक्सीन है, वो एक्वायर्ड का एग्जाम्पल है, तो वो आपका पोलियो ही वायरस के अगेंस्ट काम करता है, बाकी के अगेंस्ट काम नहीं करता. लेकिन इननेट जो है, इननेट में जो बाय बर्थ होती है, ये नॉन स्पेसिफिक है. मतलब चाहे कोई सा भी बैक्टीरिया हो, कोई सा भी वायरस हो, एक कोई स्पेसिफिक एनी नॉन स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म हो, उसके अगेंस्ट, सबके अगेंस्ट काम करेगी वो. अब हम इसको पाँच तरह में डिवाइड कर सकते हैं, पाँच तरह की से इननेट इम्यूनिटी बॉडी में काम करती है. सबसे पहला है मैकेनिकल डिफेंसेस, दूसरा है केमिकल डिफेंसेस. तो ये दोनों आप एक साथ याद रखिए, एक मैकेनिकल एक केमिकल. मतलब कोई भी मैकेनिकल बैरियर, जैसे स्किन है वो मैकेनिकल बैरियर हो गया, म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एक मैकेनिकल बैरियर है. दूसरा केमिकल, बॉडी में कहीं भी अगर कोई केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है, वो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है, तो वो केमिकल में आ गया. सो मैकेनिकल एंड केमिकल डिफेंस दो तो हो गए आपके ये. तीसरा है डिफेंस बाय नेचुरल किलर सेल्स. अभी हम नेचुरल किलर सेल्स डिस्कस करेंगे, नेचुरल किलर सेल्स क्या होती है. और डिफेंस बाय फैगोसाइटिक सेल्स. तो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ा है फैगोसाइटोसिस की पूरी मैकेनिज्म, जिसमें न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट्स और मैक्रोफेजेस मेन रोल प्ले करते हैं. तो यानी कि ये जो है सेल्स के थ्रू हो रहा है, तो इन दोनों को आप साथ पढ़िए कि नेचुरल किलर सेल्स और फैगोसाइटोसिस. और लास्ट होता है डिफेंस बाय इन्फ्लेमेशन एंड फीवर. जैसे हमें फीवर आता है, तो फीवर भी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि फीवर होने से टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बॉडी में इस तरह के एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कर सके. ओके, तो इननेट इम्यूनिटी नॉन स्पेसिफिक है, इसमें दो तो हो गए बैरियर, जैसे मैकेनिकल एंड केमिकल डिफेंसेस, मैकेनिकल डिफेंस एंड केमिकल डिफेंस. फिर दो हो गए सेल्स से, एक नेचुरल किलर सेल्स और दूसरा फैगोसाइटिक सेल्स. और लास्ट में आता है आपका फिफ्थ नंबर पे इन्फ्लेमेशन एंड फीवर. तो ये पांचों हेडिंग आपको याद होनी चाहिए. फिर अब इनके अंदर क्या क्या है, किस किस तरीके से काम करते हैं, क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं. तो मैकेनिकल में सबसे पहले आते हैं स्किन. ओवरऑल स्किन जो है वो हमें प्रोटेक्ट करती है बाहर, किसी भी बैक्टीरिया से, किसी भी वायरस, कोई भी इन्फेक्शन है उससे हमें प्रोटेक्ट करके रखती है. जैसे अगर बर्न हो जाता है किसी को, कोई जल जाता है, तो स्किन
हट जाती है। इसीलिए इन्फेक्शन के चांस बर्न के पेशेंट में बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके, तो बर्न के पेशेंट को इसलिए आइसोलेशन में रखा जाता है, बिल्कुल अलग रखा जाता है, जिससे इन्फेक्शन ना लगे, क्योंकि चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं उसमें। दूसरा है म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन जहाँ पे स्किन नहीं है इंटरनल ऑर्गन्स में, वहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन है। जैसे हमारे माउथ के अंदर ये म्यूकस मेम्ब्रेन है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन है, जो इंटेस्टाइन है, इंटेस्टाइन की जो अंदर की लेयर होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। तो हम जो फूड खाते हैं वहाँ से कोई भी इन्फेक्शन जो है वो जल्दी से नहीं पहुँच पाता, मतलब उसको प्रोटेक्ट करती है। ये 100% नहीं होता इननेट इम्यूनिटी, बट हाँ काफ़ी हद तक ये प्रोटेक्ट करती है। तो हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो भी एज अ प्रोटेक्शन का काम करती है। फिर है टीयर। टीयर में मैंने आपको बताया लाइसोजाइम एंजाइम होता है, वो किसी भी बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। फिर सेलाइवा, सेलाइवा के अंदर भी लाइसोजाइम होता है, तो वो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को नहीं होने देता। म्यूकस, जैसे कि आप नोज़ में पूरा म्यूकस थोड़ा थोड़ा सिक्रीट होता रहता है, जो भी बैक्टीरिया आ रहे हैं, जो कि वायरस आ रहे हैं, उनको यहीं पर रोक लेता है ये। ओके, ऐसे ही म्यूकस आपका GIT में भी सिक्रीट हो रहा है, यानी कि हर बहुत सारे ऑर्गन्स में ये म्यूकस सिक्रीट होता है, जो कि एक स्टिकी टाइप की केमिकल होता है, मतलब स्टिकी टाइप की चीज़ है, इसलिए वो बैक्टीरिया को स्टिक करके बॉडी के अंदर नहीं जाने देता। हेयर्स, तो हमारी बॉडी में हर जगह पे कोई भी ओपनिंग है वहाँ हेयर्स होते हैं, जैसे नोज़ में हेयर्स होते हैं, आपके वेजाइना के पास में हेयर्स होते हैं, आपके ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का ओपनिंग है, एनस है, वहाँ पे भी हेयर्स होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हर जगह पे, काफ़ी जगह पे हेयर्स होते हैं, इसलिए वो प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। फिर है आपका यूरिन। यूरिन जो है, जब यूरिन पास होता है तो एक फोर्स से पास होता है, इसलिए जब भी फोर्स से पास होते हैं तो कोई बैक्टीरिया वगैरह अगर है तो एक लिमिट तक बाहर निकलने का चांस रहता है, इसलिए वो भी प्रोटेक्शन का काम करता है। तो ये सारे के सारे मैकेनिकल बैरियर हैं, मतलब एक लेयर है जो बैरियर का काम कर रही है एक तरह से। सो स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, फिर है ये टीयर, सलाइवा, म्यूकस, हेयर, सिलिया एंड यूरिन। इनको भी आप अलग अलग पॉइंट्स में लिख सकते हैं, लाइक स्किन, फिर म्यूकस मेम्ब्रेन, फिर टीयर, फिर सलाइवा, फिर म्यूकस, फिर हेयर, फिर सिलिया। सिलिया आपके इंटेस्टाइन में भी होते हैं, और यूरिन। तो इनको अलग अलग लिख के आप एक एक लाइन भी उनमें डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन केमिकल डिफेंस। तो केमिकल डिफेंस में यानी कि कोई ना कोई केमिकल प्रोड्यूस होता है बॉडी में, और वो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है। तो इसके अंदर हम केमिकल में हम पढ़ सकते हैं एसिडिक pH ऑफ स्किन। जैसे स्किन की pH भी एसिडिक होती है, इसलिए इन्फेक्शन का चांस कम रहता है। तो एसिडिक pH का मतलब है लेस देन 7। तो जो लेस देन 7 pH एसिडिक pH, उसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ कम होती है। फिर है एसिडिक pH ऑफ स्टमक। स्टमक की pH 2-4 के आसपास रहती है, और वो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करते हैं। तो pH ऑफ द स्किन एंड स्टमक। ऐसे ही वेजाइना की pH, वो भी एसिडिक होती है, इसलिए वेजाइना में भी इन्फेक्शन के जो चांस हैं बाय दिस एसिडिक pH, वो भी कम होते हैं। फिर लाइसोजाइम इज ऑल्सो एन एंजाइम, ये भी केमिकल है, टीयर में, सलाइवा में और स्वेट में भी होता है, तो ये भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, एटलीस्ट आपको जानना जरूरी है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स क्या होती है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स आपके ब्लड में होती है, तो जैसे ही कोई बैक्टीरिया अंदर आता है, एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एक्टिवेट हो जाती है, और ये इसमें हेल्प करने का काम करती है। मैंने आपको उसमें बताया था फैगोसाइटोसिस में, कि जब बैक्टीरिया, जब कोई भी सेल है, जैसे न्यूट्रोफिल है या मोनोसाइट मैक्रोफेजेस हैं, वो बैक्टीरिया के नियर बाय आते हैं, तो क्या होता है कि ये बैक्टीरिया कुछ केमिकल से कवर्ड हो जाता है। जैसे ये बैक्टीरिया कुछ केमिकल से कवर्ड हो जाता है, और वो उससे क्या होता है ना, बैक्टीरिया का एडहेशन इसके साथ बढ़ जाता है। जैसे ये हमारी हो गई फैगोसाइटिक सेल्स, जैसे सपोज कर लो न्यूट्रोफिल, एंड ये हमारा है बैक्टीरिया। तो जैसे भी जब न्यूट्रोफिल इसके पास आती है, तो यहाँ क्या होता है, इसको कवर कर लेती है, एक कुछ केमिकल्स इसको कवर कर लेते हैं, और जिससे क्या होता है, ये इनका एडहेशन ज़्यादा बढ़ जाता है, और ऐसा कह सकते हो कि द बैक्टीरिया बिकम टेस्टी, मतलब इसको एनगल्फ करना आसान होता है, खाना आसान होता है न्यूट्रोफिल के लिए, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन, या आप फैगोसाइटोसिस में भी एडिशनली आप लिख सकते हैं, कि जब न्यूट्रोफिल बैक्टीरिया के पास आती है, तो बैक्टीरिया कवर्ड हो जाता है कुछ केमिकल्स से, और जिससे कि बैक्टीरिया बिकम टेस्टी,
बिकरिया में टेस्टी और इसको एनगल्फ करना आसान है, इट बिकम इजी टू एनगल्फ फॉर द न्यूट्रोफिल एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज ऑप्सोनाइजेशन। और जो केमिकल इसको कवर करते हैं, जो इसको बैक्टीरिया को कवर कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं ऑप्सोनिन्स। तो उन ऑप्सोनिन्स में एक तो IgG एंटीबॉडी इंपॉर्टेंट होती है और एक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एक्टिव इंपॉर्टेंट होती है। तो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स एंड IgG एंटीबॉडीज तो काफ़ी टाइप की होती है, IgG, AMD ये सब होती है। तो इसमें IgG एंटीबॉडी एंड कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ये आपका ऑप्सोनिन्स की तरह से काम करते हैं और ऑप्सोनाइजेशन में इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब एनगल्फ करने में हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी केमिकल बैरियर्स में, एसिडिक पीएच, स्टमक, स्किन, वजाइना, लाइसोजाइम एंड कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ये केमिकल हो गए। सो मैकेनिकल हमने पढ़ लिया इनेट इम्यूनिटी में, केमिकल डिफेंस हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमें सेल से पढ़ना है। तो दो सेट टाइप की सेल जैसे पढ़ना है, एक नेचुरल किलर सेल से और एक फैगोसाइटिक सेल से। फैगोसाइटिक सेल्स का फैगोसाइटोसिस की वीडियो में हमने पढ़ लिया है कि न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस वो जो है ब्लड वेसल्स से उसकी नियर बाई मार्जिन में जाते हैं यानी कॉर्नर पे, फिर टिश्यू से बाहर निकल जाते हैं डायपेडेसिस और एक बैक्टीरिया को एनगल्फ करके उसको किल कर लेते हैं। सो दैट इज़ फैगोसाइटोसिस। ये भी इन नेचुरल मतलब इन इम्यूनिटी का पार्ट है क्योंकि वो स्पेसिफिक को नहीं मार रहा है, किसी भी बैक्टीरिया को मारने की मैकेनिज्म यही होती है, किसी भी वायरस को, बैक्टीरिया को, पैरासाइट्स को। हाँ, न्यूट्रोफिल्स वगैरह सब ऐसे ही काम करती है, तो ये एक नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज्म है। और नेचुरल किलर सेल्स क्या होती है, बस इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना होता है। दैट नेचुरल किलर सेल्स एक टाइप की लिम्फोसाइट्स है। हमने लिम्फोसाइट्स में पढ़ा था, एक टी लिम्फोसाइट्स होती है, एक बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स, जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं तो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं और बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। जो टी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो थाइमस में ग्रो करती हैं, हमारी बॉडी में होता है थाइमस, तो वो थाइमस में ग्रो करती है टी लिम्फोसाइट्स। और जो बी लिम्फोसाइट्स होती हैं वो लोअर एनिमल में तो बर्सा ऑफ फैब्रिकस में, लोअर जैसे बर्ड्स वगैरह होती हैं उनमें एक ऑर्गन होता है बर्सा, इसका नाम वहाँ से आया है, इट इज़ बर्सा ऑफ फैब्रिकस, ये नाम वहाँ से है फैब्रिकस, बर्सा ऑफ फैब्रिकस, ये बर्ड्स में होता है बर्सा ऑफ फैब्रिकस, तो नाम ये बी वहाँ से आया है। एक्चुअली जो ह्यूमन में ये बी लिम्फोसाइट्स भी आपकी बोन मैरो में और लीवर में मैच्योर होती हैं। कहाँ कहाँ होती हैं, लीवर में और बोन मैरो में, ज़्यादातर सारी सेल्स जो होती हैं बोन मैरो में ही होती हैं मैच्योर। तो यहाँ पे बी सेल्स जो है वो बोन मैरो में और लीवर में मैच्योर होती हैं, फाइन। तो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी करती हैं और बी सेल्स एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी करते हैं। बी सेल्स एंटीबॉडीज बनाती हैं, तो ये आपकी एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी करती है, ये एक्चुअली एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट होता है। और जो टी होती है वो सेल मीडिएटेड करती है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, ये भी एक्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। तो ये जो लिम्फोसाइट्स का टी और बी लिम्फोसाइट्स है ये तो एक्चुअली इधर एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स ये सब एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है क्योंकि ये स्पेसिफिक वायरस स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करती है, इसलिए ये तो हो गया आपका एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट। लेकिन नेचुरल किलर सेल्स दे आर लार्ज ग्रेन्युलर लिम्फोसाइट्स, वो भी एक टाइप की लिम्फोसाइट्स है पर वो लार्ज है, बड़े साइज में ज़्यादा है और उनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं। हमने पढ़ा था लिम्फोसाइट्स में ग्रेन्यूल नहीं होते, लेकिन ये सेल्स थोड़ी बड़ी हैं और इनमें ये ग्रेन्यूल्स हैं और ये ग्रेन्युलर सेल्स हैं, बेसिकली ये स्पेसिफिक टाइप की सेल्स हैं जो कि ग्रेनुलार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स हैं और ये वायरस के अगेंस्ट और स्पेशली ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट काम करती है, वायरस और ट्यूमर सेल्स के अगेंस्ट स्पेसिफिकली नेचुरल किलर सेल्स काम करती हैं, ठीक है। डिफेंस बाय इन्फ्लेमेशन एंड फीवर, फीवर में बॉडी में टेम्परेचर बढ़ता है तो वो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करता है। फिर बॉडी में ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होते हैं जो कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करते हैं और इंटरल्यूकिंस, स्पेशली जो फीवर का मैकेनिज्म है कि वो बैक्टीरिया को कैसे अगेंस्ट काम करता है, तो एक केमिकल है जिसका नाम है इंटरल्यूकिंस, ओके, ल्यूकोसाइट्स के नाम से आप ल्यूकिंस याद रख सकते हो, इंटरल्यूकिंस बहुत टाइप के होते हैं, इसको हम ऐसे शो लिखते हैं IL, इंटरल्यूकिन IL, तो काफ़ी सारे इंटरल्यूकिन बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, उनके नंबर्स दिए हुए हैं, तो वो भी बैक्टीरिया को की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। और इन्फ्लेमेशन में रेडनेस और स्वेलिंग होती है, वो भी इन्फ्लेमेशन को मतलब किसी बैक्टीरिया की ग्रोथ को कम करने का काम करते हैं, ओके। सो इननेट इम्यूनिटी में मैकेनिकल,
मैकेनिकल में स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन, टीयर, सलाइवा, म्यूकस, हेयर, सिलिया, यूरिन। केमिकल में एसिडिक पीएच, लाइसोजाइम, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। डिफेंस बाय नेचुरल किलर सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स आर लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट्स। तो सिर्फ यही है लार्ज ग्रेनुलर लिम्फोसाइट जो इनेट का पार्ट है, अदरवाइज बोथ अदर टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स आर द पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। डिफेंस बाय फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटिक सेल्स जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए हैं, मोनोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेजेस, वो सारा जो मैकेनिज्म है डायपेडेसिस और एनगल्फ करने का, वो सारा भी इनेट इम्यूनिटी में आता है। देन डिफेंस बाय इन्फ्लेमेशन एंड फीवर, तो टेम्परेचर राइज करके और इंटरल्यूकिंस प्रोड्यूस करके ये बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इनेट इम्यूनिटी, इम्यूनिटी की डेफिनेशन, इनेट एंड एक्वायर्ड। दिस ऑल अबाउट द इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी में नेचुरली एक्वायर्ड एंड आर्टिफिशियली एक्वायर्ड, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।